Hello to all beautiful people here Rajvi this side. Welcome to this channel Personality Development with Rajvi. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक क्विक वेज टू मेक पीपल रिस्पेक्ट यू इमीडिएटली, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आता है रिस्पेक्ट यूर सेल्फ। अगर आपको दूसरे लोगों से रिस्पेक्ट करवानी है ना अपनी, तो आपको पहले खुद की रिस्पेक्ट खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट खुद नहीं करोगे तो दूसरे लोगों को कुछ नहीं पड़ी है कि वो आपको सामने से आकर रिस्पेक्ट दे। और इसके लिए एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ करते हैं, वो कि वो खुद के ऊपर ना जोक्स ज्यादा क्रैक करते रहते हैं, या फिर वो खुद का ही बहुत ज्यादा मजाक बनाते हैं, खुद की गलतियों को बहुत ज्यादा दूसरों के आगे रखते हैं, बहुत ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस लेकर आते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, उनकी रिस्पेक्ट के बीच में एक प्रॉब्लम सी क्रिएट करता है। तो अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए दूसरों से, उसके लिए आपको पहले खुद की रिस्पेक्ट खुद करनी पड़ेगी। ऐसी वाली मिस्टेक्स आपने करनी अवॉइड करनी। सेकंड वन इज रिस्पेक्ट अदर्स। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी के साथ बदतमीजी के साथ बात कर रहे हो और सामने वाले से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके साथ रिस्पेक्टफुली बात करे, राइट? अगर आपको सामने वाले से रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको पहले खुद भी उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उसके साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट के साथ उसे ट्रीट करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, कुछ लोगों का क्या रहता है, वो अपने कास्ट को, अपने धर्म को, रिलीजन को बहुत बढ़िया समझते हैं और दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या बुराइयां निकालते रहते हैं। तो ये चीज आपने अवॉइड करनी है। किसी दूसरे इंसान को उसके बैकग्राउंड हो गया, उसकी एज हो गई या सोशल स्टेटस हो गया, इन सबके बेस के ऊपर जज कर उसे डिसरिस्पेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। जब दूसरे लोग आपको देखते हैं ना कि आपका ऐसा एटीट्यूड देखते हैं कि आप दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट कर रहे हो, अदर कास्ट हो गए, रिलीजन हो गए या सोशल स्टेटस या जो भी, सबकी आप रिस्पेक्ट करते हो, तो ऐसा जब आपका एटीट्यूड होता है ना, तो उन लोगों की नजर में ऑटोमेटिकली आपका लेवल अप चला जाता है। तो इसीलिए आपने अपना ऐसा एटीट्यूड बनाना है कि आप दूसरे को रिस्पेक्ट करें। ये सिर्फ किसी के सामने नहीं, वैसे भी आपका एटीट्यूड में ये बात आनी चाहिए। द थर्ड वन इज स्टैंड बाय योर ओन बिलीव्स। हर एक के अपने कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ ओपिनियन होते हैं जिन्हें हम मानते हैं, फॉलो करते हैं। आपके भी कुछ बिलीव्स होंगे, आपने क्या है उनके साथ खड़े रहना है, उनको फॉलो करना है। ऐसा काम नहीं करना कि आज आप कुछ और है, कल आप कुछ और है, परसों आप कुछ और हो रहे हैं, राइट? इसके सामने आप कुछ और बन रहे हैं, किसी और के सामने आप कुछ और बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या है, रिस्पेक्ट थोड़ी कम मिलती है दूसरों की नजर में। इन्हें क्या समझा जाता है कि ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। आपके साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए दूसरों से, तो आपके जो भी बिलीव्स है उनको आपने फॉलो करना है, उनके साथ खड़े रहना है। एंड वन मोर थिंग, आपने किसी दूसरे इंसान को कभी भी फोर्स नहीं करना कि वो आपके बिलीव्स को फॉलो करे। उसको इतनी फ्रीडम देनी है कि उसके जो बिलीव्स हैं वो उन्हें फॉलो करे। नेक्स्ट चीज जो आपको दूसरों से रिस्पेक्ट दिलवाने में बहुत हेल्प करेगी, इट इज सेट बाउंड्रीज। आपने कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखनी है। अगर उन बाउंड्रीज को कोई क्रॉस करता है, आपको हर्ट करता है, तो आपको एक मिनट की भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए सामने वाले को ये रियलाइज करवाने में कि उसकी गलती क्या है, उसने आपको हर्ट किया है और आपको कैसा फील हो रहा है। और यकीन मानिए, जब सामने वाले को अपनी गलती का एहसास होगा, उसे इस बात की रियलाइजेशन होगी, तो आपकी रिस्पेक्ट उसकी नजर में कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। बट यस, ऑफ कोर्स आपके पास कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज डोंट ऑलवेज बी नाइस। पहली बात, ये पॉसिबल नहीं है। इमोशंस है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम उन्हें एक्सप्रेस करेंगे, तो हर बार नाइस बने रहना पॉसिबल नहीं है। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर आप सिर्फ इस डर से लोगों के साथ नाइस रहते हो कि कहीं ये मेरे को रिजेक्ट ना कर दे, या फिर मेरे को बुलाना ना छोड़ दे, या मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, देन ये भी गलत है। अगर सिचुएशन ऐसी बन जाती है इन केस जो आपको नाइस होना अलाउ नहीं करती है, तो आपको नाइस बनकर नहीं रहना है। नाइस बने रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा नाइस बनकर रहने लगे तो लोग क्या करेंगे, आपको यूज करेंगे, वो अपने काम आपसे निकलवाएंगे और उसके बाद उसे एप्रिसिएशन का नाम दे देंगे, जो कि आपके लिए टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। ऐसी एप्रिसिएशन का आपको कोई फायदा नहीं है। सो दैट्स व्हाई आपको हर बार नाइस बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज से क्या होगा, लोगों को आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पता चलेगा, आपकी वैल्यू के बारे में पता चलेगा, आपकी मैच्योरिटी के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज
कीप प्रॉमिसेस, आपने अपने किए हुए वादों को निभाना है। ये चीज आपको रिस्पेक्ट दिलाएगी, इंस्टेंटली तो नहीं बट लॉन्ग टर्म में आपको जरूर रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप अपने द्वारा किए हुए वादे को नहीं निभा पाते हो ना, तो लोगों को क्या लगता है कि इसने जो खुद बोला था ये वो नहीं कर पाया, तो ये हमारा कहा क्या पूरा कर पाएगा। तो ये चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। या तो आप वादा करो मत, अगर वादा कर दिया है तो उसे पूरा करने के लिए आपने 100% एफर्ट करने हैं और वही प्रॉमिस करना है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा हो कि हाँ ये मैं पूरा कर सकता हूँ। बट यस, जो भी आपने वादा किया है इसे आपने जरूर निभाना है। नेक्स्ट वन इज डोंट ब्रैग। ऐसे इंसान के साथ कोई भी इंसान रहना पसंद नहीं करता। ब्रैग क्या होता है, ऐसे कुछ लोग होते नहीं है शेकी बाजी सी करते रहते हैं या ढींग मारते रहते हैं, तो ऐसे इंसान के साथ रहना कोई भी पसंद नहीं करता है जो सिर्फ अपने ही तारीफों के पुल बांधता रहे और सामने वाले की सुने ही ना। और आपने ऐसा बनना भी कभी नहीं है, आपने सामने वाले को सुनना भी है और उसे समझना भी है, ब्रैगिंग नहीं करनी है। क्योंकि हो सकता है आपके मुंह के ऊपर कोई ना बोले जब आप ब्रैगिंग कर रहे हो कि क्या आप बातें कर रहा है या कुछ भी, बट पीठ पीछे आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आपने ब्रैगिंग नहीं करनी है, स्पेशली जब आप किसी भी ग्रुप कन्वर्सेशन में हो। इट विल हेल्प यू टू गेट रिस्पेक्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज, जो आपको रिस्पेक्ट दिलवाने में बहुत हेल्प करेगा, ये चीज आपके नेचर में होनी चाहिए, इट इज बी काम एंड काइंड। आपको ऐसे बनना है, आपको दूसरे लोगों की हेल्पिंग हैंड भी आप होने चाहिए, आपने हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है, दूसरे लोगों की तारीफ भी करनी है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो अगर आपके नेचर में होगा ना तो लोगों को आप पसंद आओगे। लोगों को अच्छा लगता है जब उसको कोई सपोर्ट करता है, हेल्प करता है या तारीफ करता है, तो आपके नेचर में ये बात होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपको उनसे रिस्पेक्ट मिलेगी। सो यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ टोटल 8 पॉइंट्स शेयर करे हैं जो आपको दूसरे लोगों से रिस्पेक्ट दिलवाएंगे। एंड या इफ यू वांट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर लाइफ देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। डोंट फॉरगेट टू चेक डिस्क्रिप्शन।